और मेरे इस चैनल आओ लौटे हाउ टू टीच किड्स में आपका स्वागत है। इसमें आज मैं आपको ग्रेड वन की एनसीईआरटी की कंप्यूटर मस्ती बुक के यूजर्स ऑफ कंप्यूटर चैप्टर वन पढ़ा रही हूँ। तो आइए चलते हैं, इसमें क्या है। चैप्टर वन है यूजर्स ऑफ कंप्यूटर। यूजर्स ऑफ कंप्यूटर बाय द एंड ऑफ दिस लेसन हम क्या सीख जाएंगे, आइडेंटिफाई कंप्यूटर एक मशीन है, लिस्ट करेंगे वेरियस यूज ऑफ कंप्यूटर, आइडेंटिफाई करेंगे प्लेसेस जहाँ पे कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं, डिसाइड करेंगे कहाँ पे हम कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते और आइडेंटिफाई करेंगे कंप्यूटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी इसकी कमजोरियाँ और इनकी मजबूती इनकी अच्छाइयों को। हेलो व्हाट शैल वी लर्न टुडे, आए हम आज क्या सीखेंगे। शी सेज हेलो, ही सेज हेलो, फिर इसने कहा ये क्या है, ये माउस है। माउस ने कहा वी विल लर्न दैट अ कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल मशीन, हम सीखेंगे कि कंप्यूटर एक यूज़फुल मशीन है, उपयोगी मशीन है। तो ये पूछ रही है, ये गर्ल है ग्रेड वन की स्टूडेंट है, ये पूछ रही है व्हाट इज़ अ मशीन, मशीन क्या है। फिर ये माउस रिप्लाई करता है अ मशीन इज़ अ मैन मेड थिंग्स, एक मशीन क्या है, मैन मेड इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, इट मेक्स अवर वर्क इजी, ये हमारे काम को आसान बनाता है। तो इसने पूछा कि अवर जूसर हेल्प्स अस टू मेक फ्रेश फ्रूट जूस, इज इट अ मशीन, हमारा जूसर हमारी हेल्प करता है हमें फ्रेश फ्रूट जूस बनाने में, तो क्या ये मशीन है। तो ये रिप्लाई कर रहा है यस इट इज़, हाँ ये है। फ्रिज, माइक्रोवेव, आयरन बॉक्स, टेलीविज़न, अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ मशीन, ये भी मशीन के एग्जांपल है। फ्रिज, माइक्रोवेव, आयरन बॉक्स, टेलीविज़न, ये भी मशीन के एग्जांपल है। इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये फ्रिज है, टेलीविज़न, आयरन बॉक्स एंड माइक्रोवेव। नेक्स्ट पेज में हम पलटते हैं, हम लोग इसका नाम चिंकी रख लेते हैं। चिंकी, चिंकी पूछ रही है वाई इज़ अ कंप्यूटर कॉल्ड अ यूज़फुल मशीन, कंप्यूटर को हम लोग यूज़फुल मशीन क्यों कहते हैं, हाउ डज़ इट मेक आवर वर्क इजी, ये हमारे वर्क को कैसे इजी बनाता है। इस माउस ने ये रिप्लाई करता है अ कंप्यूटर कैन डू मेनी थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को कर सकता है, वी कैन प्ले गेम्स, हम गेम प्ले कर सकते हैं इसमें, रिसेंटली म्यूज़िक सुन सकते हैं एंड ऑल्सो वॉच मूवीज़, और मूवीज़ भी वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड कार्टून्स, कार्टून भी देख सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, गेम प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ और कार्टून्स देख सकते हैं। और फॉर अ वाइल, सो फॉर अ टाइम वाइल इसका नाम हम लोगों ने चिंटू रखा है और ये है चिंकी, राइट। तो चिंटू ने पूछा कैन वी ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स, क्या हम पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। माउस रिप्लाई करता है श्योर यू कैन, श्योर निश्चित रूप से तुम कर सकते हो, अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर मेनी सिंपल टास्क, कंप्यूटर बहुत सारे सिंपल टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर को। फिर ये चिंकी कहती है आई रिमेंबर सीइंग माई फादर वर्क ऑन ए कंप्यूटर, मुझे याद है मैंने अपने पिता को कंप्यूटर पर वर्क करते हुए देखा है, बट इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, लेकिन यह उससे अलग है। ये अभी जो बात हो रही है वो कंप्यूटर की बात हो रही है, मीन्स डेस्कटॉप, और चिंकी बोल रही है वो अपने पापा को उसने लैपटॉप पे देखा है काम करते हुए, इसलिए वो कह रही है कि ये इस वाले से डिफरेंट है। तो माउस कहता है यस द वन यू सी हेयर इज़ कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ पीसी, यस जो तुम यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ऑल्सो नोन एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। द वन दैट यू सॉ योर फादर वर्किंग ऑन इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर लैपटॉप, और जो तुमने देखा तुम्हारे पापा जो काम कर रहे थे उसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं, ये पीसी है पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर चिंटू कहता है आई हैव ऑल्सो सीन अ कंप्यूटर इन द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर को देखा है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर इन अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कंप्यूटर का क्या यूज़ है। ये माउस कह रहा है गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस, मुझे तुम्हें बताने दो कि कैसे हम कंप्यूटर को वेरियस प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरी स्टोर्स मिनी बुक्स, लाइब्रेरी बहुत सारी बुक्स को स्टोर करता है। सर्चिंग फॉर योर फेवरेट बुक कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, हमारी फेवरेट बुक को खोजने में हमें बहुत सारा समय लग सकता है। सो द लाइब्रेरियन यूजेस अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर लोकेशन, इसलिए लाइब्रेरियन कंप्यूटर का यूज़ करता है
ताकि बुक की लिस्ट और उनकी लोकेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कि किस रैक में कौन सी बुक है, किस रैक में मतलब किस अलमीरा में कौन सी रैक है और उसमें कितने नंबर की बुक है, ये लाइब्रेरियन कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर देता है। व्हेन यू वांट टू बोरो अ बुक, जब तुम बुक को बोरो करना चाहते हो, द लाइब्रेरियन चेक्स द कंप्यूटर टू सी, लाइब्रेरियन कंप्यूटर को चेक करता है देखने के लिए इफ़ इट इज़ अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल होती है देन ही टेल्स, तो वो कहता है लोकेशन ऑफ द बुक, तब वो तुम्हें बुक की लोकेशन बतला देता है। ही और सी ऑल्सो यूजेज द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड द डिटेल्स वाइल इशूइंग द बुक टू यू, वह जब ये तुम्हें बुक को जब ये आपको बुक इशू करता है लाइब्रेरियन, तो उस बुक की डिटेल को रिकॉर्ड करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करता है कि आपने कब ली थी बुक, कब ली है बुक, किस नाम से बुक ली है और कब लौटाओगे, सारी डिटेल्स वो कंप्यूटर में मेंशन करता है। सेकेंड नंबर है बैंक, दूसरी जगह हम बैंक में यूज़ करते हैं बैंक, पीपल यूज़ अ बैंक टू कीप अप देयर मनी सेफ, पीपल बैंक को यूज़ करते हैं अपनी पैसों को सेफ रखने के लिए। अ बैंक यूजेस कंप्यूटर्स टू रिकॉर्ड द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड देयर अकाउंट नंबर्स, बैंक कंप्यूटर का यूज़ करता है ताकि कस्टमर्स की लिस्ट और उनके अकाउंट नंबर को रिकॉर्ड करने के लिए। व्हेन योर पेरेंट्स नीड मनी, जब आपके पेरेंट को मनी की ज़रूरत होती है, दे गो टू अ बैंक, वे बैंक जाते हैं। अ क्लर्क चेक्स द कंप्यूटर, क्लर्क कंप्यूटर को चेक करता है टू सी द बैलेंस इन देयर अकाउंट की उनके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। देन द क्लर्क गिव्स द मनी टू योर पेरेंट्स, तब वो क्लर्क आपके पेरेंट्स को मनी दे देता है। तीसरी जगह रेलवे स्टेशन, जहाँ कंप्यूटर यूज होता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेन्स, देयर टाइमिंग्स, शेड्यूल्स एट्सेट्रा, कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है ताकि ट्रेन उनकी टाइमिंग और शेड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके, उनकी इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू बुक टिकट ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट को बुक करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। योर पेरेंट चूज द प्लेस ऑफ विजिट एंड चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, आपके पेरेंट जहाँ पे जाना है उस प्लेस को चूज़ करते हैं और सीट्स की अवेलेबिलिटी कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। देन दे पे ऑनलाइन, फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और टिकट की बुक करते हैं घर में बैठे बैठे, सिटिंग एट होम, घर में बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हैं। फिर ये चिंकी बोलती ओके बट हाउ इज़ अ कंप्यूटर यूजफुल टू चिल्ड्रेन, ठीक है लेकिन ये बच्चों के लिए कैसे यूजफुल होता है। उस रिप्लाई कर रहे हैं लेट अस सी सम सिंपल टास्क दैट यू कैन डू यूजिंग अ कंप्यूटर, इसने कहा कि आओ हम कुछ सिंपल टास्क देखते हैं जो तुम कंप्यूटर को यूज़ करके कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ अ पिक्चर, आप कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर पे। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक लिसन कर सकते हैं कंप्यूटर पे। यू कैन राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड पेरेंट, आप अपने ग्रैंड पेरेंट को लेटर लिख सकते हैं। यू कैन मेक अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। यू कैन वॉच कार्टून्स एंड मूवीज़, आप कार्टून्स और मूवीज़ देख सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मशीन्स लाइक टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन एट्सेट्रा, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन यूज़ करते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, म्यूजिक सिस्टम, टेलीफोन। अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो डू द वर्क ऑफ सम ऑफ दिस मशीन्स, कंप्यूटर भी इनमें से कुछ मशीन का वर्क कर सकता है। राहुल इज, अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राहुल इज ड्राइंग ऑन अ पेपर, राहुल पेपर पे ड्रॉ कर रहा है, कैन ही ऑल्सो ड्रॉ यूजिंग अ कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर को यूज़ करके ड्रॉ कर सकता है। येस ही कैन, हाँ वो कर सकता है कंप्यूटर से। नाउ सेकेंड इज द म्यूजिक सिस्टम इज प्लेइंग अ सॉन्ग, म्यूजिक सिस्टम एक सॉन्ग प्ले कर रहा है। कैन आई प्ले अ सॉन्ग ऑन अ कंप्यूटर, क्या हम कंप्यूटर पर सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। येस यू कैन, हाँ आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेलीविज़न यूज टू वॉच मूवीज़, कैन यू वॉच मूवीज़ ऑन अ कंप्यूटर, टेलीविज़न को यूज़ किया जाता है मूवीज़ को वॉच करने में, क्या कंप्यूटर पे मूवीज़ वॉच कर सकते हैं। येस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। देन चिंटू सेड ओह द कंप्यूटर इज़ वेरी स्मार्ट, ओ कंप्यूटर बहुत स्मार्ट है, कैन इट डू एवरीथिंग, एवरीथिंग कर सकता है। देन माउस सेड कंप्यूटर कैन हेल्प यू डू सेवरल थिंग्स, कंप्यूटर बहुत सारी आपकी हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, बट देयर आर ऑल्सो मेनी थिंग्स दैट इट कैन नॉट डू, बहुत सारी चीज़ें जो ये नहीं कर सकता। यू कैन यूज़ अ फ्रिज टू स्टोर फूड, फ्रिज को हम लोग यूज़ करते हैं फूड के स्टोरेज में, कंप्यूटर ये स्टोर नहीं कर सकता।
फ्रिज की तरह वर्क नहीं कर सकता। हम लोग जूसर से फ्रेश फ्रूट जूस बनाते हैं, कंप्यूटर जूसर जूस नहीं बना सकता, ये जूसर की तरह वर्क नहीं कर सकता। हम लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो कंप्यूटर वॉशिंग मशीन की तरह यूज़ बिहेव नहीं कर सकता, उसकी तरह यूज़ नहीं हो सकता। कंप्यूटर ऑफिस में भी बहुत यूज़फुल होते हैं, क्यों? क्योंकि दे वर्क फास्टर देन अ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग से बहुत कई गुना तेज़ी से वर्क करते हैं, मेक्स नो मिस्टेक, गलतियाँ नहीं करते हैं, रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को याद कर रखते हैं और डू द सेम टाइप ऑफ वर्क अगेन एंड अगेन विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड इरिटेटिंग, मतलब बिना थके हुए बिना इरिटेट हुए एक ही काम को अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। फिर चिंकी पूछती इफ कंप्यूटर्स आर सो स्मार्ट व्हाई डू ह्यूमन ऑफिसर्स नीड्स ह्यूमन बींग एट ऑल, अगर कंप्यूटर इतने स्मार्ट है तो ह्यूमन ऑफिस में ह्यूमन बींग की क्यों जरूरत होती है? तो भी ये कह रहा है माउस, कंप्यूटर्स डू नॉट हैव अ माइंड, उनके पास उनका अपना माइंड नहीं होता, जो हम ह्यूमंस उनको टास्क देते हैं वो ये करते हैं। चिंटू ने पूछा व्हाई आर देयर सो मेनी वायर्स अराउंड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के चारों ओर इतने वायर्स क्यों होते हैं? माउस कहता है वी विल टॉक इट अबाउट व्हेन वी मीट नेक्स्ट, जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। डाल अब यूज़र मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस ये भी एक तरह का कंप्यूटर, इसको स्मार्टफोन कहते हैं। स्मार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंप्यूटर की तरह होता है, ये बहुत सारे वर्क को करने में हमारी हेल्प करता है, इससे हम हमारी फैमिली से टॉक कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स से भी टॉक कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज पा सकते हैं। और इस मशीन को हम लोग टैबलेट कहते हैं, ये स्मार्टफोन से बड़ा होता है और टैबलेट भी हमारी हेल्प करता है, ये होता है स्मार्टफोन एंड दिस वन इज टैबलेट। ये इन दोनों को स्मार्टफोन और टैबलेट को हम लोग मोबाइल डिवाइस कहते हैं क्योंकि हम इन्हें कैरी कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, इन सबों को हम इनको यूज़ करते हैं पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, मूवीज़ को वॉच करने में, गेम प्ले करने में, टैक्सी बुक करने में, फूड ऑर्डर करने में, लेटर राइट करते हैं, म्यूज़िक लेसन करते हैं और बिल का पेमेंट करते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट से। ना वर्कशीट है, मशीन को कलर करना है, डॉग है, एक कार है, ऑब्वियसली कार इज़ अ मशीन नॉट अ डॉग, सर्कल द मशीन, दिस इज सिलाई मशीन, दिस इज़ अ मशीन, बुक इज़ नॉट अ मशीन, एलिफेंट इज़ नॉट अ मशीन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ मशीन, ये हैंड फैन है, दिस इज़ अ मशीन, दिस इज़ कंप्यूटर, दिस इज़ मोबाइल, दिस इज़ एरोप्लेन, दिस ऑल्स आर मशीन्स। शीतल इज़ मेकिंग अ चार्ट, जहाँ कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हिल्स पे नहीं यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ होता है, हॉस्पिटल में यूज़ होता है, टिकट काउंटर में यूज़ होता है कंप्यूटर, फॉरेस्ट में यूज़ नहीं करते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ प्लेसेस है जहाँ पे कंप्यूटर को हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप प्लेस को करना, तो आप मैं ये दिखा रही हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि जिससे हम कंप्यूटर से कर सकते हैं कि नहीं, कि सीमा ट्री पे क्लाइंब कर रही है रोप से, तो क्या वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं, कंप्यूटर को यूज़ नहीं करना है, कर सकते हैं मतलब ट्री को क्लाइंब करने में। ये वरुण एक गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है अपने बर्थडे के लिए, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर करने में? यस, कंप्यूटर कैन बी यूज। सोम बनाना खा रहा है, क्या कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? नो, बनाना की ईटिंग में कंप्यूटर नहीं यूज़ करते हैं। सुहास ये म्यूज़िक सुन रहा है तो कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं? यस, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। रीना एक बलून ब्लो कर रही है, इसमें कंप्यूटर यूज़ नहीं होगा, कंप्यूटर बलून को ब्लो नहीं कर सकता। जीत है ये स्लेट पर नंबर्स ऐड कर रहा है, क्या कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं नंबर के एडिशन में? यस, कंप्यूटर कैन बी यूज्ड। सलमान चपाती बना रहा है तो कंप्यूटर चपाती नहीं बना सकता। राहुल ड्राइंग कर रहा है, कंप्यूटर ड्राइंग कर सकता है, राइट? बस ये हो गया और कुछ है नहीं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, आज आपने सीखा सब कुछ कि कंप्यूटर का कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता है, कंप्यूटर एक मशीन है और कैसे हैं, और बहुत कंप्यूटर के बहुत सारे यूजर्स सीखा, कहाँ का कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं और कहाँ कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, आज आपने ये सब सीखा। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा
आई थिंक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यस नेक्स्ट चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ और समझना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।